सबसे पहले तो इस सारे का कंक्लूजन करूंगा ना, तो वो ये है कि चेंज योर फिजियोलॉजी एंड चेंज योर साइकोलॉजी। आमतौर पर साइकोलॉजी से ज्यादा वाइस वर्सा बताते हैं कि चेंज योर साइकोलॉजी, तो ये वाइस वर्सा भी काम करता है। चेंज योर फिजियोलॉजी एंड चेंज योर साइकोलॉजी। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नाउमीदी है, मायूसी है, नाखुशी, जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज है। अब आप देखिए, अगर मैं एक्टिंग कर सकूं तो, जो स्ट्रेसफुल आदमी है उसके कंधे अंदर को होंगे, छाती दूसरी होगी उसकी, आंखें उसकी नीचे होगी, वो ऐसे जैसे बैठा हुआ है जैसे वो सेल्फ डायलॉग टेलीफोन कर रहा है, उसकी ये पोजीशन होगी। और वो कहता है मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ी स्ट्रेस है यार, मुझे ये होगा। कभी किसी आदमी को छाती तान के मुझे बड़ी स्ट्रेस है ऐसे नहीं देखेंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। आप में से जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं, आप जितनी मर्जी स्ट्रेसफुल पोजीशन है, छाती तानिए, कंधे को पीछे करिए, चिन अप, और ये कह के देखिए कि मुझे स्ट्रेस है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बॉडी जब भेजा हुआ ये मैसेज आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। अच्छा, आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो आप कंधों को झुकाएं, छाती अंदर दूसरे दें, सर नीचे करें, यार मैं बड़ा खुश हूँ। वो केमिकल्स ही नहीं पैदा होंगे खुशी वाले। तो सबसे पहले तो रिसोर्सफुल स्टेट अपनाएं। मेंटल रिसोर्सफुल स्टेट अपनाने के लिए आपको फिजिकली रिसोर्सफुल स्टेट अपनाना होगी। आर्मी क्या करती है, चिन अप, हेड अप, चिन अप, हेड अप, यही कहती रहती है ना। उसकी वजह है कि उन्हें एक रिसोर्सफुल मेंटल स्टेट चाहिए, बड़ी ताकतवर है, मैं उसे हरा दूंगा, मैं कर दूंगा। तो अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करने के लिए फिजिकल स्टेट को भी चेंज करें। तो ये मतलब एक की मैसेज है आज के लिए। जितना मर्जी डिप्रेशन है, एक मिनट के अंदर आप उसकी क्विक रिलीफ ले सकते हैं फिजियोलॉजी को चेंज करके।